ओपन में जा रहा है एंड ही नीड्स टू एंश्योर कि वो प्रॉपर्ली हील हो जाए. वहां से क्लच गॉड आते हुए स्काउट के पास एक हल्का सा टीपीपी एडवांटेज है. स्काउट अगर फर्स्ट एड लगा लेता है तो फिर क्लच गॉड वर्सेस स्काउट का बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो सकता है. यहां पे स्काउट रश इन करते हुए सोल क्लच गॉड के ऊपर रेगल्टोस वहां पे लेने की कोशिश करेगा. क्लच गॉड वर्सेस फनेटिक स्काउट. स्काउट इज एट 10 एचपी एंड यहां पे फनेटिक 11वें नंबर पे आउट होते हुए क्लच गॉड कमिंग अप विद दैट किल एंड क्लच गॉड इंस्टेंटली गेट्स नॉक्ड. सकते हैं एक मौली फेंकी बट कवर हुआ नहीं. एलुसन की बात करें डाउन करेंगे बढ़िया स्प्रे उजी का आता हुआ टेम्पेस्ट के द्वारा डाउन किया एलुसन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे. ऊपर के साइड पे दो मेंबर हैं अभी पता है 3v3 का सिचुएशन है अभी के लिए होल्ड करना पड़ेगा आतंकी को. बट एमआईएम बिलीव घातक के द्वारा डाउन फिनिश होते हुए सेल्स को पूरी तरीके से फिनिश किया लीजन ने. एमआईएम क्लॉक क्लच गॉड के द्वारा डाउन M249 एफएफ ओमर्स ने एसएलआर का हेडशॉट दिया त्रिलोक को. डाउन हुए जॉन डाउन हुए अक्षय भी डाउन हुए. एडमिट की स्क्वाड में भी इलिमिनेट हो सकती है. क्लच गॉड ने फिनिश किया जॉन को बट टीओडी डाउन. आई गेस काफी ज्यादा फाइट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है टीम नंबर टू एमआईएम बिलीव डाउन और शायद एमआईएम की स्क्वाड इसी के साथ इलिमिनेट हो चुकी है. फनेटिक स्क्वाड काफी ज्यादा क्लोज है जी गॉड डाउन होते हुए. टीम नंबर टू काफी ज्यादा क्लोज है. यस फनेटिक काफी ज्यादा क्लोज है. अगर एश की बात करें सेल्स ब्रॉक्स डाउन होते हुए टेम्पेस्ट के द्वारा गेम को एक उजी का स्क्वाड पड़ा करेंगे. वहां पर परितो शॉट्स लेते हुए इंटेटी स्क्वाड पे जिगॉट को मे भी फिनिश करने की कोशिश करेंगे. स्काउट ओपी आगे के साथ जा चुके हैं. एक हेडशॉट पड़ता हुआ क्लच गॉड के साथ. हां मैं आज मेरे रेडल से पट्ट से हेडशॉट तक स्पॉटेड है. हेडशॉट पड़ सकता था मिस किया. फिनिश करने की कोशिश करेंगे क्लच गॉड को बट नहीं ओवर द शॉट पड़ता हुआ. न्यू अपने टीम को कवर करेंगे सेल्स रॉक फिनिश रीजन के द्वारा. स्काउट हील करेंगे अपने आप को. क्लच गॉड डाउन है और आई गेस जी गॉड भी डाउन है. या जी गॉड तो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएंगे और क्लच गॉड भी आई गेस फिनिश हो जाएंगे. घातक उनको बचा पाएंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा. बाकी ओवेश एश और परितोष तो तीनों को कवर के लिए आना पड़ेगा स्काउट के. और नियो की बात करें दूसरे साइड से रोटेट करके आ रहे क्लच गॉड को मे भी बचाया जा सकता है. काफ़ी ज़्यादा क्लोज है घातक उनके. देखते हैं पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ लेंगे. गाड़ी ब्लास्ट की बट एंटिटी क्लच गॉड फिनिश हो गए. गाड़ी ब्लास्ट होते ही परितोष के द्वारा जीरो डिग्री की बात करें क्लोज आ रही है. स्मोक सोल घातक ने अच्छा बनाया था. अभी के लिए घातक और नियो दो बचे हुए अपनी टीम से. फनेटिक के चार मेंबर अभी भी जिंदा बट 12 किल्स हैं एंटिटी स्क्वाड पे और 3 किल्स हैं फनेटिक स्क्वाड पे. जोन के अंदर हैं बट बहुत ही ज़्यादा ओपन में कोई भी आराम से थर्ड पार्टी कर सकता है. जैसे टीम नंबर 20 काफ़ी ज़्यादा क्लोज है. टीम नंबर 12 के फाइनल बॉस अकेले बचे हुए अपनी टीम से. बट अभी के लिए कैम्प करते हुए होल्ड करते हुए पोजिशन पॉइंट ज़्यादा मैटर करेगा ऐसे टूर्नामेंट्स और मैचेस में. के फाइनल बॉस आई गेस फाइनली शॉट्स ले रहे हैं. नहीं फाइनल बॉस नहीं ले रहे बट ओएस या बाकी सारे मेंबर्स ले सकते हैं. घातक आगे साइड निकल चुके हैं. स्मोक्स वगैरह करेंगे पता है उनको. प्लेसमेंट पॉइंट पिछली बार थर्ड पोजीशन पे पहुंचाया था. इस बार भी वही कोशिश रहेगी मेंबर को आई गेस. जीरो डिग्री वर्सेस फैनेटिक हो रहा है. यस बिल्कुल 5-6 डाउन है. ब्लेज ही ऊपर के साइड है. स्मोक केस काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है. मे बी नॉक्ड आउट हो सकते हैं. ओएस पीछे से कवर देंगे स्काउट को. ब्लेज ही काफी हेल्थ डाउन कर चुके हैं. 60% हेल्थ डाउन कर चुके हैं. सूर्या पीछे व्हीकल निकल निकलते हुए ओएस आगे के साइड स्काउट हील कर चुके हैं. मेगा के मैक्स का सभी भी दिखता है. बांसिंग लगभग नॉक्ड आउट होकर फिनिश होने के कगार पे. मैक्स का स्काउट के पास गन नहीं. ओके हाथ पे गन नहीं. नॉक्ड आउट हुए मैक्स के द्वारा. पांच सिंह करके आते हुए और मे बी ओएस डाउन हो सकते हैं बट नहीं पांच सिंह को डाउन किया. सूर्या जाएंगे ये अपनी टीम से अकेले बचे हुए. बिल्कुल अकेले बचे हुए. एश और बाकी मेंबर्स को कवर देना पड़ेगा अपनी टीम के लिए. बाकी मैक्स को उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे. मॉली करेंगे अपने ऊपर ही मॉली किया. अच्छी बात डैमेज नहीं पड़ी उनको. ओएस और स्काउट दोनों जिंदा है. एक नेड आया दूसरे साइड से. सूर्या देखते हैं क्लच कर सकते हैं यानी 1v2 का सिचुएशन. मैक्सकस को अभी के लिए रिवाइव करेंगे. स्काउट पीछे के साइड निकल चुके हैं. ओएस भी निकल चुके हैं. कंफर्म नहीं करेंगे. फेट वीर भी डाउन होते हुए वेपन मर्सी के द्वारा. फनेटिक स्क्वाड पीछे जाएगी. पता है जोन इंपॉर्टेंट है और जोन चल भी चुका है. ब्लेजी काफी ज्यादा डैमेज लेंगे. एश अभी के लिए कवर में. एडमिट की स्क्वाड जस्ट नीचे. फेट की स्क्वाड भी नीचे के साइड पे आती हुई. एडमिट वर्सेस फेट होता हुआ मेटल डाउन. जीरो गॉट डाउन एंड स्लेयर के द्वारा. एंड स्लेयर अकेले एक्शन के द्वारा. फेट मेटल डाउन होते हुए रिव आईटी फेट भी प्लेस उनके बाहर डाउन. और इसी के साथ फेट की स्क्वाड भी एलिमिनेट हो गई. एंड स्लेयर ने थर्ड पार्टी किया बाकी सारे मेंबर्स पे. दो किल निकाले अपने नाम किए. जीरो डिग्री के ब्लेजी प्लेस के बाहर डाउन. एट बेटा यश भी डाउन होते हुए. माफिया भी डाउन हो चुके. गॉड्स के मेंबर ऊपर के साइड में. फनेटिक के चार मेंबर अभी भी जिंदा. जीरो डिग्री जस्ट उनके पीछे. बेको मोर्सी अगेन आई वी एक्शन के द्वारा नॉक डाउन होते हुए. सेल्स और वीएससी क्रॉलर्स काफी ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के. अक्षत बचे हुए अपनी टीम से. केले बचे हुए अपनी टीम से. और नरूटो ऊपर के साइड. शॉटगन निकाल लिया है किसी ने. देखना पड़ेगा एंटिटी के. नियो डाउन फिक्स के द्वारा. घातक भी डाउन होते हुए.
अब टेम्पेस्ट अकेले मैच खत्म होता हुआ चिकन डिनर फॉर मेगा स्टार आई गेस विद 6 किल्स या 7 किल्स, ओके 7 किल्स के साथ मेगा के पास चिकन डिनर।